हे स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ड्रेन्स मैं हूं शिवानी शर्मा आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं सो so, स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं मैग्नेट ड्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास के से क्लास ट्वेल्थ प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है सर क्लास ट्वेल्थ मैथ स्टूडेंट इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर फोर दैट इज डिटर्मिनेंट्स और इसमें भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री तो जितने भी टू मार्क्स थ्री मार्क्स एंड फाइव मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द वैल्यू ऑफ इस डिटर्मिनेंट की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ठीक है तो कैसे निकालेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैम सबसे पहले तो एक काम करो आप इसे एक्सपेंड कर लो है ना इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगी इसकी वैल्यू लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है मैक्सिमम वैल्यू राइट सिंपल ऐसा नहीं लिखा कि इवेल्यूएट करो इन्हने कहा है कि जो भी आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट तो हमने कहा ठीक है एक काम करते हैं पहले एक्सपेंड कर लेते हैं फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है ठीक है जी तो सबसे पहले आप लिख देना कि लेट डेल इज इक्वल टू वन 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 प्लस साइन थीटा वन 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 प्लस कॉस्ट थीटा ठीक है ये आपने अपने डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर दिया डेल से अब मैं इसे इवेल्युएट कर रही हूँ एक्सपेंड कर रही हूँ अलोंग फर्स्ट रो फर्स्ट रो के ना हमें साइन याद होते हैं जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में बताया था क्या साइन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे हम हाइड करते हैं रोज को तो अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ उसे तो पहली रो तो हमेशा छुपी हुई रहेगी और पहला कॉलम छुपाएंगे आप यहाँ एलिमेंट है वन तो उसे पॉजिटिव साइन के साथ इस तरीके से लिख लेंगे फिर बाकी जो बचेगा उसे टू बाई टू डिटर्मिनेंट को आप इवेल्युएट कर देंगे कैसे वैल्यूएट करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा इसका इससे मल्टीप्लीकेशन वन इंटू वन इज वन प्लस वन इंटू कॉस ठीटा इज थीटा प्लस साइन थीटा इंटू वन इज साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा इज साइन थीटा थीटा बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन वन इंटू वन इज वन तो इस तरीके से आपने इतना हिस्सा सॉल्व किया इसका राइट इसके बाद क्या करते हैं रो वन तो हमेशा छुपी रहेगी अब आपका कॉलम टू छुपेगा और इनके इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट यहाँ लिखा है उसे आपको नेगेटिव साइन के साथ लिखना है सो so, नेगेटिव वन. अब जो आपको दिख रहा है ये टू बाई टू का डिटर्मिनेंट इसे आप इवेल्युएट कर दीजिए वन इंटू वन प्लस क्या होगा वन प्लस थीटा होगा बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन वन इंटू वन इज वन ठीक है इसके बाद क्या कॉलम टू का काम खत्म अब आप अपने कॉलम थ्री को हाइड करेंगे रो वन तो हमेशा छुपी रहेगी उनके इंटरसेक्शन पे वन लिखा है यहाँ पे प्लस वन और ब्रैकेट ओपन किया इसके बाद इस टू बाय टू डिटरमिनेंट को आप लोग इवैल्यूएट कर देंगे कैसे वन इंटू वन कितना होता है जी वन होता है बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन वन प्लस थीटा इंटू इज वन प्लस थीटा बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो साइन जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि 1 इंटू वन तो 1 लिखा बीच में सब्ट्रैक्शन 1 प्लस साइन थीटा इंटू वन क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस के वजह से उनके साइन चेंज हो जाएंगे राइट right. अब जरा इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो कितना आ रहा है ये क्या यहाँ से कोई कैंसिल हो रहा है प्लस 1 माइनस वन जा रहा है यहाँ मेरे पास बचता है कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा चेक करो

इसका मतलब आपके पास डेल की वैल्यू आ रही है साइन थीटा, थीटा. मतलब आंसर कितना आ रहा है है थीटा थीटा ठीक बाकी जितने भी टर्म्स थे वो कैंसिल आउट हो गए आप देख सकते हैं थीटा माइनस थीटा चला गया साइन थीटा माइनस साइन ठीटा चला गया हमारे पास सिर्फ साइन ठीटा थीटा आ रहा है क्या यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का इनने कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है तो आप सिर्फ इतने पे नहीं रुक सकते हो ठीक है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है और यहां पे आया है ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग क्या करेंगे ना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेल लेंगे कैसे दो ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है साइन थीटा थीटा चलो इसे एक ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करते हैं मैम हाउ साइन थीटा थीटा है ना अगर ये टू साइन थीटा थीटा होता तो इसे आप क्या बोलते अगर मान लीजिए साइन थीटा थीटा की जगह पे यहाँ पे टू साइन थीटा थीटा होता तो आप क्या करते मैम टू साइन थीटा कॉस्टीटा तो साइन टू थीटा होता है अच्छा मतलब आप ये चाह रहे हो कि कैसे भी करके यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में लेकर आ जाए जिससे टू साइन ठीटा थीटा को हम साइन टू थीटा लिख सके और दो ट्रिग्नोमेट्री से एक ट्रिग्नोमेट्री में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मैम इट्स नॉट अ बिग डील क्या करेंगे हम टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर देंगे ठीक है जी तो यहाँ पे आपने क्या किया टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड किया तो ये एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरीके से दिखने लग गया ठीक है अब यहाँ पे भी टू साइन थीटा, थीटा जाएगा साइन टू थीटा बन जाएगा ठीक है ब्रैकेट मत लगाओ यहाँ पे इतना याद रख लेना आप कि आपने क्या किया चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ क्या किया आप लोगों ने साइन थीटा कॉस्ट थीटा आया था अपने पास तो हम लोगों ने यहां पे टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा बन गया इससे क्या हो गया यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुला लग गया कि टू साइन है साइन टू थीटा क्या होता है ठीक है अब सुनो maximum value, maximum value of sin two theta. आप में से कोई मुझे बताएगा साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमने आई चैप्टर भी पढ़ा है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वन इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप वन लिख सकते हो तो इससे क्या हो जाएगा इससे ये हाफ इंटू वन हो जाएगा इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपके डिटर्मिनेंट की वो आ रही है हाफ ठीक है साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है राइट right, वन ही होती है इसका मतलब साइन टू थीटा की जगह पे आपने वन रखा और हाफ इन टू वन हाफ हो गया इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपके इस डिटर्मिनेंट की कितनी है हाफ है क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपकी बुक एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन मैंशन है इंपॉर्टेंट भी हो सकता है तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रखा गया है पूछा जा सकता है पेपर में ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा ट्राइंगल इज फोर ऑफ़ अ ट्राइंगल फोर स्क्र यूनिट्स आपको गिवन है आर एंड ठीक है जी, आपको क्या बताना है आपको लेमडा की वैल्यू बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल चार स्क्वायर यूनिट आपको गिवन है तो मैंने आपको ना वन शॉट रिविजन वीडियो में भी बताया था कि अगर क्वेश्चन वाले आपको एरिया देते हैं तो आपको उस एरिया को शक की निगाहों से देखना है इसका मतलब आप इसमें दोनों साइन लेके चलोगे प्लस माइनस का ओके okay? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे uh, इनको लेमडा चाहिए लैमडा कहाँ छुपा है लेमडा छुपा है कोर्डिनेट्स में तो इसे फाइंड किया जा सकता है कैसे देखो आप लिखेंगे वी नो दैट Area of a triangle, area of a triangle whose coordinates, whose vertices, whose vertices have coordinate X one, comma, Y one, X two, comma, Y two. x3 थ्री कॉमा वाई थ्री क्या होता है हाफ x1 y1 1, X2, Y2, 1, x3, Y3, 1. है ना अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है उसकी वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है तो डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं हाफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन ठीक है जी इस तरीके से आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालते हो तो अब एक काम करते हैं सभी वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे तो हमारे पास एरिया गिवन भी है और जब एरिया गिवन है तो प्लस माइनस लिखना है तो चलो जी सब चीजें फुलफिल करते हैं यहाँ पे दिस इज हाफ इसको एक्स वन वाई वन ले लो तो माइनस टू जीरो वन इसे एक्स टू वाई टू ले लो जीरो फोर वन जिसे जीरो लैमडा वन और कितना गिवन है एरिया चार गिवन है लेकिन हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस चार लिखेंगे ठीक है सिंपल अगर आपने प्लस चार ही लिया ना तो आपको लेमडा की वैल्यू सिर्फ एक ही मिलेगी लेकिन जो सही आंसर होगा उसमें लेमडा की वैल्यू दो आएगी क्योंकि जब ही भी एरिया गिवन है आपको प्लस माइनस लिखे चलना है एरिया में तो इस तरीके से हमने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया अब क्या करना है इस टू को उठा के ले जाओ यहाँ से तो ये टू इधर आएगा तो ये बन जाएगा एट अब आप अपने इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर दो और हम कैसे एक्सपेंड करेंगे इसे हम इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे उसके साइन हमें याद होते हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम जा रहे हैं प्लस का साइन आता है ये माइनस या दो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सो दिस इज़ माइनस टू पहली रो पहले कॉलम को छुपाओ इन दो बाय दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर दो फोर इंटू वन फोर हो जाएगा वन इंटू लेमडा लेमडा हो जाएगा बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आता है फिर दिस इज़ माइनस जीरो इसके बाद इसको इसको हाइड करो जीरो इंटू वन इज ज़ीरो वन इंटू ज़ीरो जीरो तो ये तो जीरो ही आ रहा है इसके बाद आप प्लस वन ले लीजिए आपने इसको इसको हाइड करना है जीरो इंटू लेमडा जीरो फोर इंटू जीरो जीरो तो ये तो कुल मिला के सब जीरो ही निकल के आ रहा है ठीक है जी तो ये कुछ ऐसा आया राइट इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस इज माइनस एट प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एट क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो गया एक बार आप प्लस का केस कंसिडर कर लो तो जब प्लस का केस कंसिडर करते हो यहाँ पे तो दिस इज माइनस एट प्लस टू लैमडा इज इक्वल टू एट तो ये कितना आएगा टू लैमडा इज इक्वल टू सोलह लैमडा इज इक्वल टू एट ठीक है जी अगर एक बार आपने प्लस माइनस में से प्लस का केस पकड़ा तो ये बनेगा माइनस एट लेमडा प्लस टू लेमडा इज इक्वल टू एट ये घूम के यहाँ पे आएगा एट प्लस एट सिक्सटीन होता है सो टू लैमडा इज इक्वल टू सिक्सटीन तो लैमडा कितना आ जाएगा लैमडा आपका एट आ जाएगा अब एक बार आप माइनस के साइन को कंसिडर कर लो तो ये आएगा माइनस एट प्लस टू लैमडा इज इक्वल टू माइनस एट ये घूम के यहाँ पे गया तो जीरो यानी लेमडा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है जीरो निकल के आ रही है तो इनने कहा है वैल्यू ऑफ लैमडा बता दो इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस हुई आर गिविन ठीक है तो यहाँ पे एरिया गिविन था प्लस माइनस लिया डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया एक बार प्लस का केस लिया तो लैमडा की वैल्यू एट आ रही है एक बार माइनस का केस लिया तो लेमडा की वैल्यू जीरो आ रही है तो डिटर्मिनेंट से आपके एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के कंसेप्ट के ऊपर तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पे आपसे एरिया फाइंड करने के लिए कहते हैं तो जब भी एरिया फाइंड करने के लिए कहें तो याद रखना एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिख देना दूसरा केस बनता है जब एरिया क्वेश्चन वाले दे और आपसे लेमडा या के की वैल्यू फाइंड करवाए तब भी आप याद रखिएगा कि जब ही भी एरिया क्वेश्चन वाले देते हैं तो आपको प्लस माइनस दोनों केस कंसिडर करना होता है तीसरा केस आपको तीन पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे कोलिनियरिटी चेक करो तो उसमें भी आपको एरिया फॉर ट्राइंगल इक्वल टू जीरो बताना है लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आपको दो पॉइंट दे देंगे और कहेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से उसकी इक्वेशन फाइंड करो तो ये सब कुछ हमने ना एकदम डिटेल में डिस्कस किया है वन शॉट रिवीजन वीडियो में तो इसीलिए अगर आप लोगों ने पहले वन शॉट रिवीजन नहीं देखा है उसे देख लो आपका डिटरमिनेंट पूरा अच्छे से हो जाएगा उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ट्राई कर लेना सारे पैटर्न आपके दिमाग में फिक्स है कुछ भी पेपर में आ जाए आप सॉल्व कर दोगे ठीक है जी तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क्स का हो जाता है और इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है

आ, बस आपका ना सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वन शॉट रिविजन वीडियो वहाँ पे डिटर्मिनेंट को हमने चार या पांच सेक्शन में डिवाइड करके सीखा है राइट एक ही वीडियो में कि सबसे पहले इस पैटर्न का पढ़ो फिर ये पैटर्न पढ़ो फिर माइनर को फैक्टर पढ़ो उसके बाद कंसिस्टेंसी तो देखो बेसिकली होता क्या है कंसिस्टेंसी वगैरह चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन होती है ए एक्स इक्वल टू बी तो हमें अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से पहले ए निकालना है एक्स निकालना है और बी निकाल के यहाँ रख देना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपकी जो कोईफिशियंट मैट्रिक्स होगी ठीक है वो क्या होगी वन टू टू थ्री दिस इज कोफिशेंट मैट्रिक्स वेरिएबल वाली मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे ये रही एक्स वाई इसे हमेशा कॉलम में लिखना है और जो इज इक्वल टू के इस साइड है दैट इज कॉन्स्टेंट या फिर आंसर वाली मैट्रिक्स उसको भी आपको कॉलम के फॉर्मेट में लिखना है अब आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं तो कंसिस्टेंसी चेक करने का जो पूरा सिस्टम था वो आपके ए मैट्रिक्स के ऊपर था सबको वो टेबल याद है फ्लो चार्ट जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था वन शॉट वन शार्ट रिविजन वीडियो में वो फ्लो चार्ट याद करो आप लोग तो जब भी आपकी कोफिशियंट मैट्रिक्स है उस कोइफिशेंट मैट्रिक्स से ही आपको आंसर मिलता है कि क्या आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं कैसे देखो आपके ये जो क्विफिशन मैट्रिक्स है आप उसका ना डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो क्या फाइंड करते हो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो और जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आपके पास दो ही टाइप के आंसर हो सकते हैं है ना पहला आंसर होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए या फिर दूसरा रास्ता होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाए तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आता है इसका मतलब है कि आप लोगों को यूनिक सोल्यूशन मिलेगा कैसा सोल्यूशन मिलेगा जी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और जब भी सोल्यूशन मिलता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होती है सिस्टम ऑफ़ इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है ठीक है अब यहाँ पे अगर ज़ीरो मिल जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपको दो काम करना पड़ता है क्या आप निकालते हैं एट ऑफ ए इनटू बी ठीक है अब इसके भी दो आंसर हो सकते हैं राइट right, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, तो आप ए बी निकालते हो ऑफ ए आप निकाल लेंगे बी आपके पास रखा है दोनों का प्रोडक्ट करते हो फिर यहाँ पे आगे क्या होता है कि अगर अगर आपका ऑफ इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आया क्योंकि दो ही तरीके के रास्ते हो सकते हैं अगर एड जॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला आपने और एड जॉइंट ऑफ ए इ बी नॉट इक्वल टू जीरो आए इसका मतलब है कि सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है इट इज़ इनकन्सिस्टेंट मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको कोई भी सल्यूशन नहीं मिलेगा और अगर मान लीजिए कि आप लोगों का ए जॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो आपको अलग तरीके के आंसर्स मिल सकते हैं हो सकता है कंसिस्टेंट भी हो हो सकता है इनकंसिस्टेंट हो इस तरीके से ये पूरा डेटा आपकी बुक एन में गिवन है ठीक है तो आप लोगों का काम ना यहाँ से और यहाँ से ही हो जाता है मोस्टली ठीक है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये एन में गिवन था इसको हमने पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट किया ये सब आपको याद होना चाहिए राइट तो चलो चेक कर लेते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं हटाओ इसको और चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी तो सबसे पहले क्या करना होगा मैम सबसे पहले ना आपको इसका डिटर्मिनेंट चेक करना होगा कोफ़िशेंट मैट्रिक्स का तो कोफिशेंट मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो दिस इज़ वन टू टू थ्री तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है वन इंटू थ्री इज थ्री टू टू ज फोर मतलब माइनस वन एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ तो मैम टेंशन लेना ही नहीं है डिटर्मिनेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब इस साइड वाली कहानी चल रही है राइट जो आपने पे चार्ट बनाया था ना फ्लो चार्ट उसमें इस साइड की कहानी चल रही है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है आपको मिलेगा यूनिक सल्यूशन और यूनिक सल्यूशन मिल रहा है सोल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब सिस्टम कैसा है इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो एक ना एक क्वेश्चन या तो एम में या फिर टू मार्क्स में

क्वेश्चन नंबर फोर आपसे कहता है कि इफ फॉर एनी टू क्रॉस टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए इनटू एड्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए अब ये क्वेश्चन ना आपके पास्ट ईयर में भी कहीं ना कहीं पूछा है ईयर क्या है वो याद नहीं लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है अब यहां पे अगर आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज याद करके रखी मैम प्रॉपर्टीज तो बहुत है कुछ नहीं करना है वन शॉट रिविजन वीडियो के लास्ट सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है जिससे पास्ट ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है आगे फ्यूचर में वो सभी प्रॉपर्टीज़ का कलेक्शन वन शॉट रिवीजन के लास्ट पोर्शन में रखा हुआ है तो उसे आप लिख लें और उसे आप याद कर लें तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है ना जितनी भी मैंने आपको बताई है ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि सिलेबस से डिलीटेड है मतलब ये आपके कुछ थ्योरम्स हैं राइट उसको मैं प्रॉपर्टीज़ के रूप में बोल रही हूँ या फिर आइडेंटिटीज़ बोल लो आप ठीक है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है अगर वो याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है एंड सीरियसली ये क्वेश्चन टू मार्क्स का ही आया था तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, है कैसे टारगेट करना है मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आप लोगों ने आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज याद है सो इफ फॉर एनी टू क्रॉस टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है आप हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बता दो तो देखो जी आपकी बुक एनसीआरटी में ना एकदम लास्ट में आई थिंक एक पेज के एकदम लास्ट में एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है और ये प्रॉपर्टी पता है क्या है वो प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए हो या फिर एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए हो ठीक है जी, ये determinant of A into I होती है। है मतलब अगर मैं simple इतना कहूं, A into adjoint of A जो होता है ना वो डिटर्मिनट ऑफ ए आई होता है याद है सबको ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी सबको याद है है ना बुक में गिवन है ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई अच्छा ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या गिवन है आपको ये गिवन है एट जीरो जीरो एट एंड दिस इज इक्वल टू क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू यहां पे रख दी ये क्या है ये एक मैट्रिक्स है ना मैं, पूरी मैट्रिक्स में से क्या मैं एट को कॉमन ले सकती हूँ यस मैम आप ले सकते हो तो हमने यहां से एट कॉमन ले लिया सो दिस इज वन जीरो जीरो वन एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए आई क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इनको ये आई है ये भी आई है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा यहाँ से एट सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई एट आ गई बस छोटी सी प्रॉपर्टी थी ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एड जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई तो ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इस क्वेश्चन में ए इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन थी हमने लिख दिया यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू किया मैट्रिक्स में से हम एंटायर मैट्रिक्स में से चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से मैंने कहा चलो एट कॉमन ले लेते हैं एट हमने कॉमन लिया तो ये आइडेंटिटी बन गया बीच में इक्वालिटी का साइन है कंपेयर करना तो हम लोग जानते हैं ये आई है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा एट होगा देयर फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया एट आ गया और ये पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आएगा चाहे प्रॉपर्टी हो डिटर्मिनेंट determinant... अच्छा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया ठीक है डन इसको हटाओ अब मेरी बात सुनो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आइडेंटिटीज़ हैं थ्योरम्स हैं आपकी बुक एन में वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है चाहे ये वाली हो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है कैसे ओपन करते हैं जहाँ पे ए आपका जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एन है तो ये होता है के टू दी पावर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डायरेक्टली एन का भी एक एम इस पर बेस्ड है ठीक है या फिर आपसे बोला जाए एट जॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए क्या होता है तो ये आप मुझे बताना ठीक है तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ हैं आइडेंटिटीज़ हैं थ्योरम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन आते हैं पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे तो उन सबको आप याद ज़रूर कर लेना क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे कहता है कि इफ़ ए आपके पास एक टू बाई टू की मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स कैसे हैं पी टू टू पी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब एक सौ पच्चीस है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ़ पी पी की वैल्यूज़ फाइंड करके बताओ तो हमने कहा अच्छा जी डिटर्मिनेंट ए हमारे पास एक टू बाई टू की मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हमारे पास एक सौ पच्चीस है देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ़ पी पी की वैल्यू बताना है ठीक है मैम एक काम करते हैं यहाँ पे ए है मैट्रिक्स ए क्यूब का डिटर्मिनेंट एक सौ पच्चीस है पी चाहिए पी का है यहाँ पर है अच्छा अब मेरी एक बात सुनो एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन जो होता है ना दिस इज इक्वल टू होता है ऑफ़ ए टू दी पावर एन अगर आप नहीं मानते तो आप ना इसे प्रूव करके भी देख सकते हो ऐसा होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ए टू पावर एन का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन कर दो ये दोनों सेम ही होता है तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे ठीक है कैसे देखो सबसे पहले तो एक काम करो इसको याद रखना है आपको इस ए मैट्रिक्स का चलो जी डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स क्या है पी टू टू पी इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा पी टू टू पी इसका डिटर्मिनेंट अपने पास आएगा दो बाई दो का है सो so, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन p इन टू पी पी स्क्वायर माइनस टू टू जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया कितना पी स्क्वायर माइनस फोर अब हम इस रिजल्ट की हेल्प लेंगे हम कहेंगे देखो भाई हम जानते हैं नहीं जानते है, तो अब हम जान गए कि a टू दावर एन का डिटर्मिनेंट हो या डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n बोले इट इज वन एट द सेम थिंग ये एक ही चीज़ होती है हमें गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्यूब एक सौ पच्चीस है क्या ए क्यूब इज इक्वल टू वन तो यूजिंग दिस रिजल्ट क्या मैं अपने इस डिटर्मिनट ऑफ ए क्यूब को डिटर्मिनट ऑफ ए का क्यूब लिख सकती हूँ क्या लिख सकती हूं मैं इसको देखो जरा a टू दि पावर n का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब को क्या हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्यूब लिख सकते हैं डेफिनेटली लिख सकते हैं मैम इस रिजल्ट की हेल्प से अच्छा और यहाँ पे ये किसके बराबर है ये 125 के बराबर है कौन ये 125 के बराबर है तो ये भी 125 के बराबर होगा मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब किसके बराबर गिवन है 125 के बराबर गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आया है पी स्क्वायर माइनस फोर आया है है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है पी स्क्र माइनस फोर तो क्या मैं यहाँ पे पी स्क्र माइनस फोर की पावर थ्री इज इक्वल टू एक सौ पच्चीस लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है मेरे पास पी स्क्र माइनस फोर तो मैंने यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे पी स्क्र माइनस फोर लिखा इस पे पावर थ्री चढ़ी है तो हमने इस पे पावर थ्री चढ़ा दी क्या हम 125 को पाँच का क्यूब लिख सकते हैं फाइव फाइव से 5, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 पावर 25, 5 पावर 2 तो 10, 12, यस तो मैं इस 125 को 5 का क्यूब लिख रही हूँ, तो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा p स्क्वायर माइनस 4 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 5 का क्यूब. अब यहाँ पे अगर आपकी ये ऑड पावर्स हैं दोनों सेम टू सेम, तो आप उन्हें उड़ा सकते हो बेसिकली क्या होता है ना ये उठ के यहाँ आता है आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हो फिर आप उसे फैक्टराइज करते हो फिर इक्वेट करते हो लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर इज इक्वल टू तो किस साइड में पावर दोनों की सेम है और ऑड पावर है तो आप इस थ्री थ्री को हटाओ ये यहाँ से आएगा पी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव ठीक है अब माइनस फोर को यहाँ लेके गए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन हो जाएगा अब यहाँ पे देखो कैसी पावर है यहाँ पे पावर है अपने पास Even, तो तो पे plus minus आता है, है? है है, ठीक आप इसे लिखेंगे, this is, p p और root 9 क्या होता है? 3, तो plus minus 3. यानि p की जो value आ रही है, वो क्या आ रही है प्लस माइनस थ्री आ रही है और इनने यही कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, तो p की वैल्यूज क्या आ रही है प्लस माइनस थ्री आ रही है इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टारगेट करना था ठीक है तो यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे और फिर आपके इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और फिर चलेंगे अगले सवाल पे डन चलो जी क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे कहता है कि ए आपके पास एक टू बाई टू की मैट्रिक्स है और एक कंडीशन गिवन है कंडीशन ये है कि ए इनवर्स आपका के ए के बराबर है आप लोगों को यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करके बताना है तो हमने कहा ठीक है जो कंडीशन गिवन है इस कंडीशन की हेल्प ले लेते हैं राइट ए इनवर्स किसके बराबर गिवन है के ए के बराबर गिवन है तो एक काम करो चलो ए इनवर्स निकाल लो आपके पास ए है ए इनवर्स निकालने का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं सो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ऑफ ए ठीक है ये आपके ए इनवर्स का फॉर्मूला है तो ए मैट्रिक्स है चलो आओ इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा ये रहा टू फाइव थ्री एंड दिस इज माइनस टू इसका डिटर्मिनेंट आएगा ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन टू इंटू माइनस टू माइनस फोर बीच में सब्ट्रैक्शन थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन यानी डिटर्मिनेंट आ रहा है माइनस नाइनटीन ये हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला अब हम फाइंड करेंगे एट जॉइंट ऑफ ए एट ज्वाइंट ऑफ ए एक टू बाई टू मैट्रिक्स का निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रिक लग जाती है और ट्रिक क्या कहती है कि जो डाइग्नल एलिमेंट्स हैं वो आपस में अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं मतलब माइनस टू उठ के ऊपर चला जाएगा और टू उठ के नीचे आ जाएगा ठीक है और जो नॉन डाइग्नल एलिमेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलते लेकिन उनका जो साइन है बस वो चेंज हो जाता है अगर थ्री था तो माइनस थ्री हो जाएगा फाइव है तो माइनस फाइव हो जाएगा इस तरीके से आपको एड ऑफ ए मिल गया अब हमें ए इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स क्या था फॉर्मूला रखा है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एड ऑफ ए सो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब माइनस वन अपॉन नाइनटीन और एड जॉइंट ऑफ ए क्या है माइनस टू माइनस फाइव माइनस थ्री टू ये लिखा हमने ए इनवर्स अब ए इन्वर्स किसके बराबर है K A के ए के बराबर है तो ठीक है जी लिख देते हैं यहाँ पे इट इज गिवन कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू के ए के बराबर है ए इन्वर्स हमारे पास है माइनस वन अपॉन नाइनटीन माइनस टू माइनस फाइव माइनस थ्री टू इज इक्वल टू के ए दिस इज के स्केलर है ए मैट्रिक्स क्या थी अपने पास टू थ्री फाइव माइनस टू अब आप इन स्केलर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो यानी ये बन जाएगा अपने पास क्या टू अपॉन नाइनटीन सो दिस इज फाइव अपॉन नाइनटीन यहाँ पे थ्री अपॉन नाइनटीन माइनस टू अपॉन नाइनटीन ठीक है चेक कर लो एक बार माइनस का मल्टीप्लाई किया सो टू अपॉन नाइनटीन थ्री अपॉन नाइनटीन फाइव अपॉन नाइनटीन टू माइनस टू अपॉन नाइनटीन यहाँ पे आप k का अंदर मल्टीप्लाई कर दो k स्केलर है सो दिस इज टू के फाइव के थ्री के एंड दिस इज माइनस टू के अब आप इसे इक्वेट कर दो। तो जब आप इक्वेट करोगे इसको इससे इक्वेट किया तो ये कितना आ रहा है टू के इज इक्वल टू टू अपॉन नाइनटीन यानी कि के की वैल्यू कितनी आ रही है टू से टू गया सो so के की वैल्यू आ रही है वन अपॉन नाइनटीन सिमिलरली जब यहाँ इक्वेट करोगे सो थ्री बाय नाइनटीन इज इक्वल टू थ्री के थ्री से थ्री गया सो so के की वैल्यू वन अपॉन नाइनटीन इक्वेट करोगे टू गया तो K की वैल्यू इधर इक्वेट करोगे so -2 2 मतलब के इज इक्वल टू वन अपॉन्ट नाइनटीन तो ओवरऑल जब भी आप इक्वेट करोगे तो के की वैल्यू वन अपॉन्ट नाइनटीन ही आपको मिलेगी राइट तो इस तरीके से हमने के की वैल्यू फाइंड करी आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख के दिखा देना पूरा ठीक है कैसे कि टू बाई नाइनटीन इज इक्वल टू टू के देखो के इक्वल टू वाइन थ्री बाय नाइनटी इज इक्वल टू थ्री के तो के इक्वल टू वन अपॉइंट नाइनटीन सिमिलरली सो ऑन फाइव बाई नाइनटीन इज इक्वल टू फाइव के तो के कितना आएगा एक बाई उन्नीस माइनस टू बाई नाइनटीन इज इक्वल टू माइनस टू के मतलब के इज इक्वल टू वन अपॉइंट नाइनटीन तो ओवरऑल के हर जगह सेम आया मतलब के इज इक्वल टू वन अपॉइंट नाइनटीन है इसके साथ क्वेश्चन सिक्स खत्म होता है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन एक थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि ए आपके पास एक टू बाई टू की मैट्रिक्स है यूजिंग ए इनवर्स ए इन्वर्स की हेल्प से आपको सॉल्व करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मतलब ए गिवन है ए इन्वर्स निकालो फिर ये जो ए इन्वर्स आपने यहाँ से निकाला है इस ए इनवर्स की हेल्प से इसको आपको सॉल्व करना है तो पता है बेसिकली क्या रहा होगा ये जो इक्वेशन है ना इसकी जब आप मैट्रिक्स इक्वेशन बनाओगे जो आपको कोइफिशियंट मैट्रिक्स मिलेगी देखना कोईफिशियंट मैट्रिक्स यही होगी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं ए एक्स इक्वल टू बी तो एक्स फाइंड करने के लिए हमें ए इनवर्स इन बी करना होता है यानी हमें ए इनवर्स चाहिए रहता है तो 100 परसेंट ए इन्वर्स बेसिकली यही हो जाएगा जो आप इससे निकालोगे क्योंकि आप जब इससे कोइफिशियंट मैट्रिक्स बनाओगे ना तो यही आपकी कोफिशियंट मैट्रिक्स होगी बना के देख लो कैसे बनती है कोफिशियंट मैट्रिक्स जो भी आपके एक्स वाई है उनके जो कोफिशेंट है उसकी मैट्रिक्स बना लो तो यहाँ पे एक्स के आगे वन है सो दिस इज वन वाई के आगे माइनस टू है तो ये रहा माइनस टू यहाँ पे एक्स के आगे क्या लिखा है टू और वाई के आगे लिखा है वन चेक करो दोनों को वन माइनस टू टू वन देखा तो ये जो आपकी इक्वेशन है इस इक्वेशन में से जो कोइफिशियंट मैट्रिक्स बनेगी और जो ऑलरेडी आपको मैट्रिक्स गिवन है वो दोनों सेम है इसीलिए क्वेश्चन वालों ने कहा कि ए मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं आप इसका इन्वर्स निकालो फिर इसका जो भी इन्वर्स आएगा उस इन्वर्स की हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो मतलब यहाँ पे जो कोईफिशेंट मैट्रिक्स बनेगी और जो ये मैट्रिक्स गिवन है दे आर सेम आप चाहे तो ऐसे नॉर्मली पहले चेक कर लो फिर आपको पता है कि ए इन्वर्स निकालना पड़ता है यहाँ पे इसे शिफ्ट करते हो ए इनवर्स आपने ऑलरेडी पहले से निकाल के रखा है उसकी हेल्प लो और क्वेश्चन को ख़त्म करो ठीक है so, सो इस तरीके के क्वेश्चंस ना ये बहुत मजे आती है बोर्ड एग्जाम्स में आते ही है ये या फिर कि ये इक्वेशन गिवन है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है हैंस फाइंड ए इनवर्स जहाँ पे आप पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो इनवर्स का एक वो वाला पैटर्न और एक इस तरीके के क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा ठीक है चलो और एक और चीज़ जब आप मल्टीप्लाई करो ना याद है आप लोगों को वो पैटर्न मैंने वन शॉट में आपको डिस्कस कराया था कि ए मैट्रिक्स गिवन है क्या ये ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को शो करो हैंस फाइंड ए इनवर्स ये वाला पैटर्न सबको याद है तो यहां पर आप लोग पोस्ट मल्टीप्लाई किया करो जब आपको हैंस फाइंड ए इनवर्स करना है प्री मल्टीप्लाई की जगह आप लोग पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना तो चीजें आपको अच्छे से साफ साफ दिख जाएगी और क्वेश्चन आपका जल्दी फिनिश हो जाएगा तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स का ठीक है पैटर्न सबको याद आ गया चलो जी अब इस क्वेश्चन नंबर सेवन को देखो इसको टारगेट करते हैं यहाँ पे ना तो आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है ना कोई प्री मल्टीप्लाई करना है ये अलग कंसेप्ट है वो अलग कंसेप्ट अचानक से मुझे याद आया तो मैंने आपको वो रिकॉल करा दिया ठीक है सो आप लोग क्या करेंगे इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना ए इनवर्स का अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो तो ए हमारे पास ये है और टेंशन नहीं लो हो सकता है क्वेश्चन इसमें भी रखा हो मैंने उस पैटर्न का तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे और मान लो अगर नहीं है तो आई थिंक वन शॉट रिविजन में मैंने डिस्कस कराया है ठीक है अभी चेक करते हैं अपन तो ए आपके पास एक मैट्रिक्स है यूजिंग ए इनवर्स आपको सॉल्व करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तो मैंने कहा ठीक है जी ये मेरा ए मैट्रिक्स है one, two, minus two, one. चलो इसका a inverse निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इ ज्वाइंट ऑफ ए तो चलो जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या वन टू माइनस टू वन मैट्रिक्स था डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखा ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन बीच में सब्ट्रैक्शन बाकी जो बचा उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस फोर आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी कि दिस इज वन प्लस फोर और वन प्लस फोर तो फाइव होता है एंड दिस दिसव इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है इनवर्टेबल है आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो ठीक है और अगर डिटर्मिनेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो कैसा सोल्यूशन मिलेगा आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होगी कंसिस्टेंट होगी ठीक है जी ओके सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग ट्रिक की हेल्प से निकालेंगे डायग्नल एलिमेंट्स अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे नॉन डायगनल एलिमेंट्स वहीं बैठेंगे बस उनके साइन बदल जाते हैं नेगेटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा राइट right? अब यहाँ से ए इन्वर्स देखो आप सो ए इन्वर्स है वन अपॉन फाइव इन टू एट जॉइंट ऑफ ए वन माइनस टू टू वन ये आपके पास ए इनवर्स आ गया इसका अब इसको साइड में रखो अब अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखो सो so, आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दैट इज एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन एंड टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू यहाँ पे हेयर आपका जो मैट्रिक्स ए है वो क्या निकल के आ रहा है वन माइनस टू टू वन जो आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है एक्स दैट इज एक्स वाई और इज इक्वल टू के साइड वाली जो मैट्रिक्स है बी वो बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास माइनस वन और टू तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी बी मैट्रिक्स लिख दी ये ए मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स सेम है तभी ने कहा था कि इसके ए इनवर्स से इक्वेशन को सॉल्व करो इक्वेशन बना ली दोनों ए सेम है अब आप लिखेंगे कि वी नो दैट वी नो दैट या फिर सिंपल लिखो यहाँ पे ए एक्स किसके बराबर है बी के बराबर तो एक्स किसके बराबर होगा ए इी के बराबर एक्स क्या है एक्स वाई है ए इनवर्स क्या है वन अपॉन फाइव इंटू एट जॉइंट ऑफ ए वन टू माइनस टू वन तो यहाँ लिखोगे वन टू माइनस टू वन ठीक है जी चेक करो वन टू माइनस टू वन इंटू बी बी क्या है बी क्या है माइनस वन टू इंटू बी बी क्या है माइनस वन इंटू सॉरी माइनस वन और टू ऑल गुड तो यहाँ पे मैंने सबको फिल कर दिया राइट right? अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगी क्या इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है हाँ Yes, इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है इसका ऑर्डर क्या है टू क्रॉस टू और इसका ऑर्डर है टू क्रॉस वन तो इसका दूसरा इसका पहला सेम है यस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर टू क्रॉस वन होगा ठीक है भाई तो पहली रो पहला कॉलम वन इंटू माइनस वन माइनस वन प्लस टू इंटू टू फोर खत्म कहानी दूसरी रो पहला कॉलम माइनस टू इंटू माइनस वन टू बीच में प्लस टू वन जा टू तो कितना निकल के आ रहा है ये ये निकल के आ रहा है माइनस वन प्लस फोर थ्री हो जाएगा टू प्लस टू फोर हो जाएगा यानी एक बाई पाँच का अंदर मल्टीप्लाई करोगे सो so इससे तीन बाई पाँच और चार बाय पाँच यानी कि आपके ये जो एक्स वाई है कंपेयर करो इन्हें तो आपके एक्स वाई कितने निकल के आ रहे हैं कंपेयर करेंगे दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं दोनों तो का ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं सो so एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई फाइव और y की वैल्यू आ जाएगी फोर बाई फाइव ठीक है अच्छा आपकी जो बुक एन है ना उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं आई थिंक एक्सरसाइज़ फ़ोर पॉइंट फाइव में तो फोर पॉइंट फाइव एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे अच्छे से सॉल्व कर लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले राइट इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे बहुत सारे सो so, हमने कंपेयर किया x थ्री बाई फाइव आ गया y आपका फोर बाई फाइव आ गया और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है राइट right. तो हमें ए इन्वर्स निकालना था और उसके बाद हमने क्या किया आ, उसके बाद हमने इक्वेशन को पकड़ा इक्वेशन को देखा अरे हाँ इसकी जो कोफिशियंट मैट्रिक्स है वो तो उस मैट्रिक्स ए के बराबर ही है और हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकालना पड़ता है तो इन्वर्स पहले से निकाल के रखा है तो बस मल्टीप्लाई किया बी से कंपेयर किया और हमको हमारे एक्स वाई मिल जाते हैं अब देखो क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग वन थ्री एंड जीरो जीरो यूजिंग डिटर्मिनेट आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है डिटर्मिनेंट की हेल्प से और लाइन ज्वाइन कर रही है ए पॉइंट और बी पॉइंट को फिर फाइंड करो इफ डी के पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी डी इज थ्री स्क्वायर यूनिट ठीक है तो दो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि इक्वेशन बनाना है आपको ए बी की और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है ए बी डी उसमें आपको एरिया गिवन है तीन स्क्वायर यूनिट आपको ना के फाइंड करके बताना है तो दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहले आपको लाइन ए बी की इक्वेशन बताना है डिटर्मिनेंट मेथड से सो so कैसे बताते हैं अपन लोग हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी लाइन की इक्वेशन बताना है मेरे पास ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं इक्वेशन बताने के लिए मेरे पास कुछ वेरिएबल होना चाहिए तो मैं अपनी इस ए बी लाइन पे एक पॉइंट पी ले लूँगी जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स वाई और कह दूंगी कि क्योंकि मेरे ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं देयर इसमें जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा वो ज़ीरो होगा ठीक है चलो जी तो आप यहाँ पे लेंगे कि लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑन line joining a 1 comma 3 and b 0 comma 0. let p x comma y be a point on the line joining a and B. take care. a P b lie on same straight line. दे फोर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज जीरो तो आप लिखेंगे हाफ यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स को अरेंज करो पहले मैंने पी का कोऑर्डिनेट रख दिया वन तो हमेशा रखना ही होता है फिर ए का कोऑर्डिनेट है वन थ्री वन और फिर बी का कोऑर्डिनेट है जीरो जीरो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा जीरो क्योंकि ए पी बी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं मतलब दे आर कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट्स में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जीरो होता है तो मैंने वही वही काम किया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो लिख दिया अब ये हाफ तो जीरो के पास चला गया तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है एक्स वाई वन वन थ्री वन ज़ीरो जीरो वन एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो इस डिटर्मिनेंट को आप इवेल्यूट कर लीजिए फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के साइन है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो सबसे पहले आपने एक्स को पकड़ा पहली रो पहले कॉलम को छुपाओ थ्री इंटू वन इज़ थ्री वन इंटू जीरो इज जीरो बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन वाई लिखोगे आप उसके बाद पहली रो दूसरे कॉलम को हाइड करो वन इंटू वन इज़ वन माइनस वन इंटू ज़ीरो इज़ीरो फिर लास्ट में प्लस का साइन आता है प्लस वन इसको इसको हाइड करो वन इंटू जीरो थ्री इंटू ज़ीरो मतलब ओवरऑल ये तो ज़ीरो है और इसे इक्वेट कर दिया हमने ज़ीरो से तो ये मेरे पास आता है थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो यानी वाई की जो इक्वेशन मतलब वाई इक्वल टू कितना आ रहा है थ्री एक्स आ रहा है माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस उड़ गए तो वाई कितना आया आपके पास थ्री एक्स आया तो इस तरीके से आपको ए बी लाइन की इक्वेशन मिल जाती है इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टारगेट करना होता है अब इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट आपसे कहता है कि देखो भाई ए और बी तो आपके पास पॉइंट थे हमने एक डी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है के कॉमा जीरो अब जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी और डी के साथ उसका एरिया हम आपको दे रहे हैं आप हमें के की वैल्यू बता दो तो आप कहोगे अच्छा हमारे पास ए कोऑर्डिनेट क्या है ए का कोऑर्डिनेट है वन थ्री हमारे पास बी का कोऑर्डिनेट है जीरो जीरो हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट है के कॉमा के कॉमा जीरो ठीक है अब हमें गिवन है यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी डी है है ना क्या गिवन है हमको कि जो एरिया है ट्राइंगल ए बी डी का वो कितना है तीन स्क्वायर यूनिट है ये भी हमें गिवन है हमें बस के बताना है तो हम कहेंगे ठीक है यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला दिस इज हाफ वैल्यूज क्या है वन थ्री वन जीरो जीरो वन के जीरो वन अब क्योंकि ट्राइंगल का एरिया गिवन है राइट right, तो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आपको लेना होता है ये हाफ यहाँ से गया इधर आया तो ये प्लस माइनस सिक्स बन जाएगा अब इस डिटर्मिनेंट को आप लोग एक्सपेंड कर दो तो चलो जी इसे एक्सपेंड करते हैं पहली रो के अलॉन्ग ही हम इसे एक्सपेंड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सो पहला साइन आ जाएगा वन पहली रो पहले कॉलम को हाइड करो जीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो वन इंटू जीरो इज ज़ीरो तो ये तो ज़ीरो हुआ बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पे आ गया माइनस थ्री फिर आप इसको और इसको हाइड करें ज़ीरो इंटू वन तो ज़ीरो होता है बीच में सब्ट्रैक्शन वन इंटू के के हो जाएगा उसके बाद प्लस वन इसको इसको हाइड किया यहाँ पे वन आया तो प्लस वन जीरो इंटू जीरो ज़ीरो इंटू के सो दिस इज़ ज़ीरो और यहाँ पे है प्लस माइनस सिक्स ठीक है तो ये जीरो हो गया ये ज़ीरो हो गया इसका इससे मल्टीप्लीकेशन किया तो थ्री के सो थ्री के इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स यानी k की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस टू और यहाँ पे इन्हें यही कहा था के की वैल्यू बता दो तो के की दो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं प्लस माइनस टू तो इस तरीके से इस एक क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चंस थे हमने दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व किया सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी थी और उसके बाद हमें ए बी डी ट्राइंगल का एरिया गिवन था तो हमें क्या फाइंड करना था हमें के फाइंड करना था तो जब भी एरिया गिवन हो तो प्लस माइनस लेना ही होता है इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर एट है वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है सो थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन आपसे कहता है लो वो जिस पैटर्न की मैं बात कर रही थी वो पैटर्न यहीं यहीं पर आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं शो दैट मैट्रिक्स ए सटिस्फाइज दिस इक्वेशन ये मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ये आपको शो करना है उसके बाद ये बता दिया है कि ये निशान किसका है ये एक दो बाई दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जीरो क्या है एक दो बाय दो जीरो मैट्रिक्स है ठीक है जी यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इन्वर्स इस इक्वेशन की हेल्प से ए इन्वर्स तक पहुँचो तो हमने कहा ठीक है जी अब इस क्वेश्चन में भी आपको दो काम करना है तो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि शो करो कि सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन या नहीं और दूसरा है ए इन्वर्स निकालो हैंस हैंस का मतलब होता है कि इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ए इन्वर्स निकालना है ना कि फॉर्मूले से फॉर्मूला कौन सा एट जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो उस फॉर्मूले से आपको ए इन्वर्स नहीं निकालना है आपको इस इक्वेशन की हेल्प से निकालना है तो जब भी इक्वेशन की हेल्प से ए इन्वर्स निकालना हो तो आप लोग क्या कर देंगे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ए इनवर्स का इसको ध्यान रखेंगे ठीक है चलो जी तो सबसे पहले पहला काम करते हैं क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं तो इस इक्वेशन में जो जो चीजें चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए ए है तो चलो जी ए स्क्वायर निकालते हैं तो ए स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए है ना ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए से करोगे तो ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा चलो मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस इज टू वन थ्री टू स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई समस्या है ही नहीं आसानी से आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे सो पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लीकेशन बीच में आएगा एडिशन का साइन टू टू ज़ा हो जाएगा फोर प्लस थ्री वन ज़ा हो जाएगा थ्री पहली रो दूसरा कॉलम टू थ्री ज़ा सिक्स हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स हो जाएगा दूसरी रो पहला कॉलम वन इंटू टू टू हो जाएगा टू इंटू वन टू हो जाएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम वन इंटू थ्री थ्री हो जाएगा टू टू जो फोर हो जाएगा एंड दिस इज योर ए स्क्वायर थोड़ा इसको अच्छे से लिख लो तो ए स्क्वायर आपके पास आएगा चार तीन सात दो दो चार छ छ बारह चार तीन सात ठीक है जी ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया अब जो आपको प्रूव करना है उसका एल एच एस अपन पकड़ लेते हैं राइट जिसको सेटिस्फाई कराना है उसका एल एच एस पकड़ लो एल एच एस क्या है आपके पास ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस आई इक्वल टू कुछ नहीं एल एच एस में क्या है ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस आई तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे अपना ए स्क्वायर रख देंगे ए स्क्वायर क्या है सात चार बारह सात माइनस फोर इंटू ए ए क्या है अपने पास टू वन थ्री टू उसके बाद क्या है आई आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो ज़ीरो वन ठीक है तो हमने एल की इक्वेशन को पकड़ी उस एल की इक्वेशन में हमने उन सभी मैट्रिक्स को जाके जमा दिया हमने ए स्क्वायर रखा माइनस फोर ए रखा प्लस आई हमने रख दिया अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप दिस इज सेवन फोर ट्वेल्व सेवन चार का मल्टीप्लाई कर दो चार एक स्केलर है स्केलर का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है सो दिस इज फोर टू जा एट फोर वन जा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फोर टू ज़ा एट प्लस यहाँ पे आ जाओ वन ज़ीरो जीरो वन ठीक है सो आई होप आप ये अल्फ़ाबेट पढ़ने में अल्फ़ाबेट बोल रही हूँ ये नंबर्स को पढ़ने में डिजिट को पढ़ने में कोई समस्या नहीं है ये मैंने एट बनाया है ठीक है अब इन सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है और हम करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट सो so, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा सी सेवन माइनस एट प्लस वन सो सेवन माइनस एट प्लस वन कितना हो जाएगा सात प्लस एक आठ आठ में से आठ क्या जीरो बारह माइनस बारह जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो फोर माइनस फोर जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो सेवन माइनस एट माइनस वन माइनस वन प्लस वन जीरो तो आपने देखा क्या निकल के आया आंसर ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस आई इज़ इक्वल टू ये आ रहा है और यहाँ ने लिख दिया है कि ये कुछ और नहीं ये तो ज़ीरो ही है बिकॉज ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है एक टू बाई टू ऑर्डर का ज़ीरो मैट्रिक्स तो इस तरीके से हमने इसे प्रूव किया राइट right, क्लियर है इतना तो ये ना तीन बाई तीन के ऑर्डर में भी आ सकता है ठीक है तीन बाई तीन ऑर्डर की मैट्रिक्स दे सकते हैं वो उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है तो देखो तरीका तो एक ही है आपको तरीका सीखना है ठीक है ट्वेल्थ क्लास में हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एकदम डिक्टो सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर में आए आपको पैटर्न पेपर में आए ऐसा सोचना चाहिए कि इस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर में आए तो मैं इसे सॉल्व कर पाऊँ राइट ये मत सोचना कि एकदम सेम टू सेम ही क्वेश्चन आ जाए तो फिर ट्वेल्थ क्लास में है ना तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए राइट हमको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पे ध्यान देना है कि अगर इस तरीके का अगर इन्हें तीन बाई तीन में भी दे दिया ना तो भी समस्या नहीं है काम तो यही करना है ठीक है जी क्लियर है ये ओके अब इनने कहा था इतना पार्ट तो आपने कर लिया ये इसका फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट ये कहता है कि यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स अब ये सब मैंने क्यों हटा दिया यहाँ से इसको रखो आप हाँ इसको यहीं रखो ए स्क्वायर क्योंकि आपको हो सकता है काम में आ जाए तो मैं यहाँ से इतना सेक्शन यहाँ से हटाती हूँ और फिर पढ़ते हैं कि क्या करना है कि यूजिंग एन यूजिंग दिस इक्वेशन इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना है तो हमने कहा इक्वेशन क्या है जी इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस आई इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन की हेल्प से ए इन्वर्स निकालो तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ ए इन्वर्स से तो ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स माइनस फोर इंटू ए इंटू ए इन्वर्स प्लस आई इंटू ए इन्वर्स ज़ीरो इंटू ए ठीक है इस तरीके से हमने दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कर दिया ठीक है इस साइड यहाँ पे स्केलर देखा है तो इसीलिए हमने सोचा तो लो यहाँ प्री मल्टीप्लाई करने से अच्छा है पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो पोस्ट मल्टीप्लाई हमने ए इनवर्स से कर दिया राइट अब आप देखेंगे ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं दिस इज ए इनवर्स माइनस फोर इंटू ए इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स और जीरो के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही होता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी तो ये बन जाएगा ए आई माइनस ए इंटू ए इन्वर्स होता है आइडेंटिटी तो ये हो जाएगा आई और आई इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी के साथ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको याद करो टू इंटू वन क्या होता है टू होता है तो आई के साथ अगर किसी का भी मल्टीप्लाई करते हो I के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आती है सो यहाँ पे मिलेगा A इनवर्स इसी तरीके से A इंटू आई क्या होगा आई आईडें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है तो a टू आई क्या होगा ए होगा तो इसको हटाओ यहाँ से ये आपका ए ही आएगा अब ए इनवर्स इनवर्स को अकेला रखो बाकी आई माइनस ए हो जाएगा तो अगर आपको ए इनवर्स चाहिए तो आपको फोर आई में से ए को सब्रैक्ट करना है तो चलो जी रख देते हैं यहाँ पे सो दिस इज ए इनवर्स इज इक्वल टू फोर आई माइनस ए तो ये रहा फोर आई आप एक दो ऑर्डर कहीं लेंगे क्योंकि आपकी ए मैट्रिक्स भी दो ऑर्डर की है टू थ्री वन टू सो यहाँ लिखा आपने टू थ्री वन टू चलो भाई सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर दो सो फोर ज़ीरो जीरो फोर माइनस यहाँ पे क्या है टू वन थ्री टू अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना मैट्रिक्स में अगर क्वेश्चन है ना तो मैट्रिक्स का ही साइन बनाना भावनाओं में बह के डिटर्मिनेंट मत बना देना इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स है ये तो मैट्रिक्स के साइन में ही सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट नहीं बना सकते हो यही गलतियां होती है जो आपको नहीं करना है राइट अब क्या करना है दोनों का ऑर्डर सेम है दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है क्या इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है येस मैम ऑर्डर सेम है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं कैसे डिफरेंस निकालते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड इसका मतलब यहाँ आपको मिलेगा फोर माइनस टू फोर माइनस टू क्या होता है टू जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस वन माइनस वन फोर माइनस टू टू और ये क्या है आपका दिस इज ए इनवर्स इन द गिवन क्वेश्चन इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टारगेट करना था ठीक है आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है इम्पॉर्टेंट है ये एक क्वेश्चन तो हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट आप ले लो क्या कि ये क्वेश्चन तो आना ही है ठीक है ये पैटर्न का क्वेश्चन तो आना ही है पेपर में आपको मैट्रिक्स दे देंगे इक्वेशन दे देंगे फिर बोलेंगे हैंस फाइंड ए इनवर्स तो आप याद रखना कि जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना ठीक है पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना ए इनवर्स का सॉल्व कर देना इक्वेशन को आप अपने ए इनवर्स तक पहुंच जाओगे ठीक है चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन आपसे कहता है ये भी थ्री मार्क्स का ही क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इक्वल टू जीरो एक्सरसाइज आई थिंक फोर पॉइंट फाइव है उसका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है एनसीआर टी का है फोर पॉइंट फाइव एक्सरसाइज ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन उठ के सीधा वहां से आएगा अगर आप डिटर्मिनेट में और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एंटायर फोर पॉइंट फाइव एक्सरसाइज को बैठ के सॉल्व कर लो ठीक है एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग मैट्रिक्स अपने पास है और इन्हें कहा है कि सच दैट दिस इज इक्वल टू ज़ीरो और आपको स्मॉल ए एंड स्मॉल बी चाहिए तो हम क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कंपेयर करेंगे इक्वेट करेंगे जीरो से और अपने ए और बी को फाइंड कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए ए हमारे पास है तो आ जाओ ए स्क्वायर निकालें ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए सो ए मैट्रिक्स क्या है थ्री वन टू वन और यहाँ पे भी इंटू कर लो आप किससे थ्री वन टू वन तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को तो कैसे मल्टीप्लाई होगा पहली रो पहला कॉलम थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू इंटू वन टू ठीक है फिर पहली रो दूसरा कॉलम थ्री टू जा सिक्स प्लस टू वन जा टू दूसरी रो पहला कॉलम वन इंटू थ्री थ्री प्लस वन इंटू वन वन दूसरी रो दूसरा कॉलम वन इंटू टू टू प्लस वन इंटू वन वन सो so ये अपने पास कितना आया नाइन प्लस टू इलेवन थ्री प्लस वन फोर सिक्स सेवन एट और टू प्लस वन थ्री सो ये निकल के आ रहा है ए स्क्वा ओके नौ दस ग्यारह तीन और एक चार छः सात आठ दो और एक तीन ए स्क्वायर अपने पास आ गया अब ये इक्वेशन गिवन है सच दैट मतलब इट इज गिवन क्या गिवन है आप लोगों को आपको गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई जीरो के बराबर है ठीक है तो सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ रख दो। ए स्क्वायर कितना है अपने पास ए स्क्वायर है अपने पास इलेवन फोर एट थ्री प्लस स्मॉल ए और ए मैट्रिक्स कितना है अपने पास थ्री वन टू वन प्लस बी और उसके बाद क्या है आई आई मतलब आइडेंटिटी वन जीरो जीरो वन और जीरो आपका डेफिनेटली जीरो मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू में ज़ीरो मैट्रिक्स को लिख देना ठीक है तो जीरो मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे देखना जरा दिस इज इक्वल टू यहाँ लिखो जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो ठीक है जी राइट right. अब क्या करना है आपको और यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन बनाना डिटर्मिनेंट का साइन मत बना देना मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया है डिटर्मिनेंट में ठीक है तो एक्सरसाइज 4.5 ऐसी ही है अब आप क्या करने वाले हो? स्केलर है स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आपके मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होता है तो आप अपने मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से स्केलर ए का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा थ्री ए ए टू ए वन इंटू ए इज ए फिर आप अपने मैट्रिक्स में स्केलर बी का मल्टीप्लाई कर दो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो ये निकल के आएगा बी इंटू वन इज़ बी दिस इज ज़ीरो दिस इज ज़ीरो दिस इज बी और यहाँ पे आपकी जीरो मैट्रिक्स इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि अगर सब कुछ यहाँ पे दो बाय दो ऑर्डर का है तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स भी दो बाय दो ऑर्डर की ही होगी मेंशन नहीं है तो भी आपको टू क्रॉस टू ही लेना है राइट right? क्योंकि आप कंपेयर करने वाले हो अब हम क्या करेंगे इन सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो यस दे कैन बी एडेड एंड हाउ टू एड करस्पोंडिंग टर्म्स आर एडेड तो करस्पोंडिंग टर्म्स को आप लोग यहाँ पे एड कर दोगे सो इलेवन प्लस थ्री ए प्लस बी सबसे पहले आएगा इलेवन प्लस थ्री ए प्लस बी है ना एट प्लस टू ए प्लस जीरो तो यहाँ लिखोगे एट प्लस टू ए है ना फोर प्लस ए यहाँ पे क्या लिखा है फोर प्लस ए प्लस जीरो यानी कि फोर प्लस ए फिर आगे आ जाओ थ्री प्लस ए प्लस बी सो दिस इज थ्री प्लस ए प्लस बी और यहां पे इस इक्वल टू में हमारे पास है हमारी जीरो मैट्रिक्स तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया अब आप क्या करेंगे दोनों ही दो बाय दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो बीच में इक्वालिटी का साइन है तो इसे इक्वेट कर सकते हो कैसे इक्वेट करते हैं करस्पोंडिंग टर्म्स आर इक्वेटेड यानी ये इसके बराबर होगा तो आप लिख लो यहाँ पे इलेवन प्लस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो फिर से देखो इलेवन

फोर प्लस ए इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब ए इज इक्वल टू माइनस फोर है आप लोगों को याद होगा मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्स वाई ए बी मैट्रिक्स में चाहिए तो जहां जहां पे भी एक्स वाई या फिर ए बी लिखा है तो हर जगह पे ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए बी की वैल्यू सेम होना चाहिए तो इसीलिए आप सबको चेक करोगे तो अभी तक तो मुझे दोनों जगह ए की वैल्यू माइनस फोर मिल गई है आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या है हमारे पास थ्री प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे लिख देंगे हम थ्री प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो दोनों में ही ए की वैल्यू माइनस फोर है तो यहाँ पे सब्सीट्यूट कर देती हूँ सो थ्री माइनस फोर प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो यानी कि ये निकल के आया माइनस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो मतलब बी की वैल्यू आ रही है वन एक काम करो यहाँ पे भी ए की वैल्यू माइनस फोर सब्सिट्यूट करके देखो आप सो दिस इज इलेवन माइनस ट्वेल्व है ना फोर थ्री से हो जाएगा ट्वेल्व माइनस फोर था तो माइनस ट्वेल्व प्लस बी इक्वल टू जीरो दिस एम्प्लाइज माइनस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो माइनस वन घूम के यहां जाएगा तो बी इज इक्वल टू वन तो जहां जहां पे भी ए बी वगैरह यूज किए थे हमने इस मैट्रिक्स में तो वहां हर बार हमें ए की वैल्यू क्या मिल रही थी माइनस फोर और हर बार बी की वैल्यू मिल रही है वन इसका मतलब जो ए और बी इनको चाहिए था वो ए और बी क्या है माइनस फोर और वन है तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ठीक है तो याद रखिएगा जब आप फाइंड करते हो ए और अगर बहुत सारी जगह पर ए बी का यूज़ हुआ है तो हर एक प्लेस पे आपकी ए और बी की वैल्यू सेम ही आ मतलब ए सेम आना चाहिए और बी सेम आना चाहिए राइट यहाँ से ए निकाल रहे होफ फिर यहाँ से निकालो सेम आना चाहिए यहाँ से बी निकाल रहे हो या फिर यहाँ से बी निकाल रहे हो सेम आना चाहिए और ये आपको लिख के दिखाना भी पड़ेगा सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो देखो केस स्टडी भी आता है केस स्टडी में मेट्राइसिस और डिटर्मिनेंट ये आपका एल्जेब्रा हो जाता है राइट राइट एल्जेब्रा की यूनिट हो जाती है और एक केस स्टडी एल्जेब्रा यूनिट से आ सकती है चाहे मेट्राइसिस से पूछे या डिटर्मिनेंट से पूछे। हाई चांसेस है मेट्राइसिस से एक केस स्टडी डेफिनेटली आएगी और मैं आपको फिर से बता देती हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक में चाहे एग्जाम्पल हो चाहे मिसलेनियस एक्सरसाइज हो या फिर किसी भी एक्सरसाइज के बीच में कोई भी स्टोरी प्रॉब्लम आपको मिल जाती है उन स्टोरी प्रॉब्लम को लिख के प्रैक्टिस कर लो क्योंकि वहीं से एक केस स्टडी आपके पेपर में डेफिनेटली आएगी उसी पैटर्न की केस स्टडी आपके पेपर में आएगी ठीक है तो इसीलिए मैट्राइसिस से सभी स्टोरी प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आप सॉल्व जरूर कर लेना राइट चलो अब इसको देख लेते हैं बस यहाँ पे स्टोरी लिख दी है डरना नहीं है आपको फाइव मार्क्स का ये क्वेश्चन है ये कहता है कि द सम ऑफ थ्री नंबर है उनका सम कितना है उनका सम है मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय थ्री एंड एड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट इलेवन अच्छा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड नंबर को तीन से और सेकंड नंबर उसमें जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है हमें ग्यारह मिल जाता है बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि बाय एडिंग बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर्स ये बात क्लियर है रिप्रेजेंट एट एल्जेब्रिकली एंडली रिप्रेजेंट करो इसे मतलब बना के दिखाओ इसकी और फिर मैट्रिक्स से आप इसको सोल्व करो और नंबर बता दो क्या है तो बेसिकली कितने नंबर यहाँ पे तीन नंबर है, है ना फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर तो चलो इन्हें एक्स वाई जेड ले लेते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द फर्स्ट नंबर बी आप लिखेंगे यहाँ पे लेट फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर एंड थर्ड नंबर बी क्या एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली है ना रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो जाता है कि जिस सीक्वेंस में आपने ऊपर लिखा है उसी सीक्वेंस में ये है यानी फर्स्ट नंबर एक्स है सेकेंड नंबर वाई है थर्ड नंबर जेड है तो हमने ये लिख दिया कि लेट द फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर बी एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली राइट अब आपको क्या गिवन है यहां पे लिख लो एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली चलो जी अब पहली लाइन सम ऑफ थ्री नंबर इज सिक्स इन तीनों नंबर का सम कितना है छ है मतलब आपके पास गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स हमने पहली इक्वेशन बना दी अब दूसरी इक्वेशन को देखो इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय थ्री थर्ड नंबर कौन है फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने लिखा ना थर्ड नंबर जेड है तो इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई थ्री ओके एंड एड सेकेंड नंबर टू एट और इसमें सेकेंड नंबर को एड कर दें वी गेट इलेवन हमें ग्यारह मिल जाता है ठीक है ये तो टेंथ क्लास में बहुत सीखा है आपने कि ऐसी स्टोरी गिवन है तो इक्वेशंस बनाओ तो इतने क्या कहा कि वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय थ्री अगर हम थर्ड नंबर में तीन का मल्टीप्लाई करें एंड ऐड सेकेंड नंबर टू एट सेकंड नंबर को इसमें जोड़ दें तो हमें मिल जाता है ग्यारह तो इज इक्वल टू में इलेवन फिर लास्ट लाइन पढ़ लो लास्ट लाइन क्या कह रहा है कि बाय एडिंग बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स को ऐड कर दो तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स को ऐड किया हमने सो दिस इज एक्स प्लस जेड है ना ये फर्स्ट नंबर है ये थर्ड नंबर है वी गेट मतलब इज इक्वल टू क्या मिलता है वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर y है तो उसका डबल मिल जाता है जब आप फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करते हो तो इस तरीके से हमने इसे ग्राफिक एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया इन्हें कहा ना बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं हमें मिलता है तो हमें क्या मिलता है इज इक्वल टू किस साइड में जाओगे आप इज इक्वल टू डबल ऑफ द सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर क्या है वाई तो इसका डबल क्या हो जाएगा टू वाई तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया ठीक है अब देखो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है हम सब जानते हैं कि इज इक्वल टू के साइड में कांस्टेंट आना चाहिए यहाँ पे क्या है टू वाई है तो एक काम करो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं कैसे इस टू वाई को ना इज इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाओ तो माइनस टू वाई हो जाएगा फिर देखो ना एक ऑर्डर है पहले एक्स है फिर वाई है फिर जेड है वाई है जेड है तो एक्स के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए वाई तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं कैसे इसको लिख देते हैं दिस इज एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू शून्य ठीक है जी तो अब क्या हो गया ना जब आप इक्वेशन बनाओगे मैट्रिक्स मेथड से तो सही बनेगी क्योंकि एक्स वाई जेड ऐसा होना चाहिए सो एक्स वाई जेड इसका एक जीरो है वाई जेड एक्स वाई जेड ये आपकी एल्जेब्रिकल एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई आपकी इक्वेशन अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो आप जानते हो सबसे पहले आप को मैट्रिक्स वेरिएबल वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू के साइड में हमेशा कांस्टेंट होते हैं वो वाली मैट्रिक्स बनाओगे फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कर दोगे ठीक है तो चलो जी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सबसे पहले एक काम करो ना इसको नेक्स्ट पेज पर ही लेके आ जाते हैं राइट तो ए मैट्रिक्स मेरे पास आएगी कोइफिशियंट मैट्रिक्स तो कोइफिशियंट मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड के कोइफिशियंट वन 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 तो यहां पे लिखोगे वन 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 दूसरी इक्वेशन में एक्स नहीं है तो जीरो जीरो वन थ्री तो यहां पे लिखेंगे हम जीरो वन थ्री फिर क्या है अपने पास वन माइनस टू वन तो यहां लिखेंगे वन माइनस टू वन ये रही आपकी कोइफिशंट मैट्रिक्स ठीक है जी ए लिख दिया अब सुनो एक्स क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स वेरिएबल्स थे आपके पास सिर्फ एक्स वाइज एड इसको कॉलम के फॉर्मेट में लिखना फिर है बी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स होता है इज इक्वल टू में लिखे हुए कॉन्स्टेंट और ये क्या है छह ग्यारह जीरो तो यहाँ पे लिखोगे छह ग्यारह जीरो अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है मैट्रिक्स इक्वेशन होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी यानी एक्स क्या होता है ए इनवर्स बी और ए इनवर्स क्या होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए तो अगर आपको x चाहिए तो उसके लिए a इनवर्स का मल्टीप्लाई करना होगा b से लेकिन हमारे पास a इनवर्स नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पहुँचने से पहले हमें a इनवर्स निकालना होगा a इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए एट जॉइंट ऑफ a चाहिए और यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्यों क्योंकि तीन बाई तीन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो एट जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा सो so, आपको हर एक एलिमेंट का सबसे पहले को फैक्टर फाइंड करना है ठीक है उसके बाद उसे जमाओगे उसका ट्रांसपोज लोगे फिर आपको एड जॉइंट मिलेगा तो ठीक है सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं वो भी तो चाहिए सो so, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसे एक्सपेंड करेंगे कौन सी रो के अलोंग हम तो हमेशा फर्स्ट रो के अलोंग ही इसे एक्सपेंड करते हैं क्योंकि हमें उसके साइन याद होते हैं मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है तो ये बन के आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम हाइड करो इंटरसेक्शन पे वन है उसे लिखो प्लस साइन के साथ इस टू बाय टू ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट कर दो वन इंटू वन इज़ वन बीच में सब्ट्रैक्शन थ्री इंटू माइनस टू इज माइनस सिक्स तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स बीच में सब्ट्रैक्शन आएगा देखो वहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस इसको इसको हाइड करो वन लिखा है तो वन लिखा जीरो इंटू वन इज जीरो माइनस थ्री इंटू वन इज थ्री है ना इसको और इसको हेड किया जीरो थ्री वन वन इसको इवेल्यूएट कर दिया फिर प्लस का साइन आता है तो प्लस वन उसके बाद आप इसको इसको हाइड कीजिए जीरो इंटू समथिंग गिव्स यू जीरो बीच में सब्ट्रैक्शन वन इंटू वन तो वन हो जाता है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास कितना आ रहा है वन प्लस सिक्स सेवन माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज़ प्लस थ्री वन इंटू माइनस वन इज़ माइनस वन यानी ये निकल के आया सात तीन दस दस में से एक गया नौ यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ जाता है नाइन एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो तो अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब A is invertible. ए इज़ इन्वर्टिबल याद है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए इन्वर्टेबल है आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हो चलो जी थी, ठीक है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास आ गया अब क्या करना है आपको एड जॉइंट ऑफ ए निकालना है तो एंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को फैक्टर्स निकालोगे है ना सो को फैक्टर निकालना है अपन को को फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है क्या कि भाई अगर ए आई जे है सो दिस इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे और यहाँ लिखते हैं एम आई जे एम आई जे क्या है माइनर है ठीक है और हमने कहा था आपसे कि अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव का साइन लेना पावर ऑड है तो नेगेटिव का साइन लेना आप लोग ना पूरा सीक्वेंस में एक वीडियो देखा करो सबसे पहले देखो भूल गए हो गए कब पढ़ा था राइट सो so, आप लोग वन शॉट देखो पहले क्योंकि मैं उसी सीक्वेंस में आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ पहले वन शॉट देखो उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लो नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू वाला वीडियो देखो ताकि वन मार्क्स की तैयारी भी हो जाए क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में टू मार्क्स थ्री मार्क्स फाइव मार्क्स की तैयारी हो जाती है एम में वन मार्क्स की तैयारी हो जाएगी लास्ट में जाके टेस्ट दे दो ठीक है फिर एकदम लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तो हम लोग पी वाई क्यूज भी डिस्कस कर लेंगे ताकि जितना भूल गए वो फिर से आप याद कर लो दिमाग में एक बार सब कुछ चीज़ें फिर से फिक्स हो जाए और फिर जाके अपना एग्जाम दे के आ जाना राइट तो एक सीक्वेंस में चीज़ों को फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हमने कहा कि अगर पावर इवन है तो ये पॉजिटिव होता है पावर अगर ऑड है तो ये नेगेटिव होता है ठीक है अब सबसे पहले निकालेंगे ए वन वन और जल्दी जल्दी फाइंड करेंगे तो ए वन वन क्या होगा देखो वन प्लस वन टू हो जाएगा सो so, नेगेटिव की पावर टू मतलब पॉजिटिव अब हमें चाहिए एम वन वन एम वन वन कैसे मिलेगा पहली रो पहला कॉलम डिलीट कर दो हाइड नहीं कर रहे डिलीट कर रहे हैं मतलब अब इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है सिर्फ इस टू बाई टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट करना है सो वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन बीच में सब्ट्रैक्शन थ्री इंटू माइनस टू इज माइनस सिक्स तो ये निकल के आ रहा है सेवन तो ए वन वन कितना आ गया ए वन वन आपका सेवन आ गया ठीक है अब चलेंगे ए वन टू पे सो so, यहाँ पे देख लो नेगेटिव का निशान आएगा क्योंकि वन प्लस टू तीन हो जाएगा नेगेटिव की पावर तीन नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव का साइन अब हमें एम वन टू से मल्टीप्लाई करना है सो एम वन टू का मतलब क्या है पहली रो दूसरा कॉलम डिलीट जीरो इंटू वन जीरो सब्ट्रैक्शन थ्री इंटू वन माइनस थ्री तो माइनस थ्री है माइनस ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा प्लस थ्री फिर चलेंगे ए वन थ्री की तरफ सो ए वन थ्री माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री माइनस वन की पावर चार चार इवन है यानी कि पॉजिटिव यहाँ पे लिखोगे एम वन थ्री तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन एम वन थ्री से करना है एम वन थ्री का मतलब है पहली रो तीसरे कॉलम को डिलीट करो इस दो बाय दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट करो जीरो इंटू माइनस टू जीरो सब्ट्रैक्शन माइनस वन तो आपके पास क्या आता है माइनस वन आता है ए वन वन के बाद अब हम चलेंगे ए टू वन की तरफ सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा क्योंकि ऑर्ड का मतलब है नेगेटिव इनटू करना है एम टू वन से एम टू वन का मतलब क्या है कि सेकेंड रो पहले कॉलम को डिलीट कर दो वन इंटू वन इज वन सब्ट्रैक्शन वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू तो प्लस टू हो जाएगा यानी कि ये निकल के आ रहा है माइनस तीन फिर आप चलेंगे ए टू टू की तरफ यानी माइनस वन की पावर दो प्लस दो माइनस वन की पावर ई वन कि पॉजिटिव और फिर इनटू करना है एम टू टू से यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो वन इंटू वन इज वन माइनस वन इंटू वन इज वन यानी कि ये तो जीरो आया फिर चलो ए टू थ्री की तरफ तो टू प्लस थ्री फाइव नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है एम टू थ्री से एम टू थ्री मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू सब्ट्रैक्शन वन इंटू वन इज वन यानी कि माइनस थ्री ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस थ्री हो जाएगा अब आप चलेंगे ए थ्री वन के पास राइट ए थ्री वन थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन हो जाएगा चार नेगेटिव की पावर इवन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करना है आपको किससे एम थ्री वन से एम थ्री वन का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सो वन इंटू थ्री थ्री माइनस वन इंटू वन इज वन सो थ्री माइनस वन का मतलब हो जाता है टू फिर चलेंगे आप ए थ्री टू के पास डेफिनेटली नेगेटिव आएगा ऑर्ड का मतलब नेगेटिव है इवन का मतलब पॉजिटिव है इनटू करना है एम थ्री टू से थर्ड रो सेकेंड कॉलम वन इंटू थ्री इज थ्री वन इंटू जीरो इज यानी आपके पास आता है थ्री फिर आप निकालेंगे ए थ्री थ्री को फैक्टर तीन प्लस तीन मतलब पावर है इवन यानी कि पॉजिटिव उसका मल्टीप्लाई करोगे एम थ्री थ्री से थर्ड रो थर्ड कॉलम वन इन टू वन इज वन तो ये लो जी ये सभी आपके को फैक्टर्स आ गए निकालने पड़ेंगे सभी को फैक्टर्स ठीक है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए तरीका बिल्कुल फिक्स होना चाहिए बेसिकली एम आई जे माइनर है ये को फैक्टर है और ये इसका फॉर्मूला है ओके अब अब निकालेंगे एट ऑफ ए सो एट ऑफ ए क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर अगर मैं इन्हें अरेंज करती तो ऐसे इनको यहाँ पे और इनको यहाँ पे। लेकिन ट्रांसपोज लेंगे तो रो बने कॉलम बेसिकली ये पहली रो है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा ये दूसरी रो थी तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा है ना ये तीसरी रो थी तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा तो मैंने को फैक्टर बनाने की जगह डायरेक्टली उसका ट्रांसपोज बना के ऑफ ए बता दिया है सो फर्स्ट फर्स्ट रो 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 कॉलम कॉलम बन गई थर्ड तो ए इनवर्स कैसे मिलेगा एट जॉइंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड करना है मतलब वन थ्री माइनस वन माइनस थ्री जीरो थ्री टू माइनस थ्री वन ठीक है जी सो so, ये आपका ए इनवर्स हो गया इक्वेशन नंबर वन में रख दो ए इनवर्स को बी आपके पास है मल्टीप्लाई करो एक्स से इक्वेट कर देना आपको एक्स वाई जेड मिल जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर क्या थे वो आपको पता चल जाएगा ठीक है चलो तो यहाँ पे अब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा हम लिखेंगे चीजों को कैसे कि जो हमारा x है ना x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b और x क्या था x था एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें रखे थे वेरिएबल a इनवर्स है वन अपॉन्ट नाइन अब यहाँ पे हमें चीज़ों को लिखना पड़ेगा तो आ जाओ जी क्या लिखा है सात तीन माइनस एक सात तीन माइनस एक सेवन थ्री माइनस वन देन वी हैव सेवन थ्री माइनस वन माइनस थ्री जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो थ्री और उसके बाद लास्ट कॉलम क्या है अपने पास टू माइनस थ्री वन टू माइनस थ्री वन सो दिस इज टू माइनस थ्री वन और बी मैट्रिक्स थी सिक्स इलेवन जीरो ठीक है इनका मल्टीप्लाई करना है क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है येस yes, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसका ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री इसका ऑर्डर है थ्री क्रॉस वन है ना तो इसका दूसरा इसका पहला सेम है तो यस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वील गेट अ कॉलम मैट्रिक्स हमें थ्री क्रॉस वन एक मैट्रिक्स मिल जाएगी ठीक है तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस इज वन अपऑन नाइन एज इट इज इससे बात करना ही नहीं आपको पहली रो पहला कॉलम सेवन सिक्सा फोर्टी टू माइनस थ्री इंटू इलेवन थर्टी थ्री बीच में प्लस आता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया टू इंटू जीरो तो जीरो है, है ना काम खत्म पहली रो पहला कॉलम फिनिश दूसरी रो पहला कॉलम थ्री सिक्सा एटीन ज़ीरो इंटू इलेवन जीरो माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो हटाओ इसे तीसरी रो पहला कॉलम माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स प्लस थ्री इंटू इलेवन थर्टी थ्री वन इंटू जीरो जीरो तो कितना आ रहा है ये फोर्टी टू में से थर्टी थ्री गया तो बारह में से तीन गया नौ है ना टेन इलेवन ट्वेल्व दिस इज़ जीरो यानी कि यहाँ पे तो आ जाता है नाइन अठारह और थर्टी थ्री में से इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस थर्टी थ्री यानी कि माइनस थ्री प्लस तीस है ना यानी कि ट्वेंटी सेवन सो दिस इज कमिंग आउट टू बी ट्वेंटी सेवन और कैलकुलेशन तो आप लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छा कर लेते हो है ना एकदम परफेक्ट करते हो तो कैलकुलेशन पे ध्यान बिल्कुल दे लेना आप लोग अब इस वन अपॉइन्ट नाइन स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो आप तो वन अपॉन्ट नाइन स्केलर का जब मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से सो तो ये वन नाइन वन ज़ा नाइन टू ज़ा नाइन वन ज़ा नाइन थ्री ज़ा सो वन टू थ्री आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है ठीक है मैंने बेसिकली क्या किया इस वन अपॉइन्ट नाइन को ना मैं यहाँ पे अंदर ले गई इस तरीके से क्योंकि स्केलर है मल्टीप्लाई हो सकता है सो so, इसको हटाओ आप यहीं देख लो नाइन से नाइन गया वन नाइन वन जा नाइन टू जा, नाइन वन जा नाइन थ्री जा। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू टू जेड की वैल्यू थ्री यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो वन है जो सेकेंड नंबर है वो टू है जो थर्ड नंबर है वो थ्री है इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से देख लिया इसमें काफ़ी मेहनत लगी क्योंकि एक बड़ा मैट्रिक्स था तीन बाई तीन ऑर्डर का था पहले इक्वेशन भी खुद बनानी थी आपको उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन देखना था फिर एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी ए इनवर्स फाइंड करना था ए इनवर्स का फॉमूला ये है डिटर्मिनेंट निकाला एड जॉइंट के लिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स किया देन ए इनवर्स तक पहुँचे और उसके बाद आपने एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इन टू बी किया ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन बी से इक्वेट किया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर आपके पास आ गए विच इज़ वन टू एंड थ्री इस तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब इस एक क्वेश्चन से ना इस पैटर्न के आप सभी क्वेश्चंस को बना लोगे और ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है अब चलते हैं अगले सवाल सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूज प्रोडक्ट दिस इंटू दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो इस प्रोडक्ट की हेल्प से आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है अच्छा अब ऐसा क्या है इनके प्रोडक्ट में कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसकी हेल्प से सॉल्व होगा तो रफ वर्क में ना आप एक काम करना इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोफिशियन मैट्रिक्स बना के रख लेना ठीक है तो अगर मैंने इसकी कोफिशेंट मैट्रिक्स बनाई तो मेरे पास क्या आएगा वन माइनस वन टू जीरो टू माइनस थ्री जीरो टू माइनस थ्री थ्री माइनस टू फोर ठीक है तो ये हमने काम कर दिया हमने क्या किया क्वेश्चन वालों ने कहा था कि यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो हमने कहा ठीक है अब ऐसा कुछ ना कुछ कनेक्शन है तो एक काम करते हैं अपन सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से क्विफिशन मैट्रिक्स को बना के रख लेते हैं तो हमने जब कोई मैट्रिक्स बनाई तो हमारे पास आता है वन माइनस वन टू ज़ीरो टू माइनस थ्री थ्री माइनस टू फोर और हम जानते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त ए एक्स इक्वल टू बी का यूज़ होता है जहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाता है a इनवर्स b, ओके okay? और b मैट्रिक्स हमारी इज इक्वल टू के इस साइड वाली होती है यानी कि a इनवर्स चाहिए रहता है b तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है इनवर्स so, का मल्टीप्लीकेशन बी से कर देते हैं तो हमको एक्स मिल जाता है अब एक काम करो अब आप लोग जरा अपने इन दोनों मैट्रिक्स को देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें से कोई एक मैट्रिक्स आपकी यही हो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कोई मैट्रिक्स है तो चेक करो वन माइनस वन टू जीरो टू माइनस थ्री थ्री माइनस टू फोर अरे हाँ ये तो मैम कोई मैट्रिक्स ही गई अच्छा तो हमने इसको ए कह दिया राइट और हमें इसी ए का ए इनवर्स चाहिए वहाँ पे तो 100 परसेंट यहाँ कुछ ऐसा होगा जिससे हमें ए इनवर्स मिल जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है हमें इसकी हेल्प से ये फाइंड करना है मतलब हमें ए इनवर्स डेफिनेटली इसके प्रोडक्ट से मिलने वाला होगा ओके okay? तो हमने जब कंपेयर किया हमने कह दिया अरे ये तो ए है इस मैट्रिक्स को क्या बोलूं मैम बी बोल दो ना अरे बी नहीं बोलूंगी मैं क्यों क्योंकि आप जानते हो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी हम बी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं राइट right. ये हमारा बी मैट्रिक्स ही बनेगा तो इसीलिए मैं यहाँ पे बी की जगह पे इसे सी कह देती हूँ ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे लेट लिख देंगे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास वन जीरो थ्री सो so यहाँ हमने लिखा वन जीरो थ्री देन वी हैव माइनस वन टू माइनस टू माइनस ठीक है माइनस वन टू माइनस टू टू और यहाँ पे लिखोगे टू माइनस फोर ठीक है जी ये आपकी ए मैट्रिक्स है टू माइनस थ्री फोर टू माइनस थ्री फोर इसके बाद आपकी सी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स क्या है अपने पास माइनस टू जीरो सो नाइन टू माइनस थ्री ओके जी फिर क्या है सिक्स वन माइनस टू सिक्स वन माइनस टू सो सिक्स वन माइनस टू अब इसका प्रोडक्ट निकालना है तो चलो ए सी निकाल लेते हैं सो ए सी मतलब वन माइनस वन टू जीरो टू माइनस थ्री थ्री माइनस टू फोर इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम सी से तो सी क्या है माइनस टू जीरो वन नाइन टू माइनस थ्री सिक्स वन माइनस टू चलो जी तो ए सी का प्रोडक्ट कितना निकल के आ रहा है हाउ टू मल्टीप्लाई पहली रो पहला कॉलम एक बार पूरा मैट्रिक्स ना चेक कर लो कि गलत ना लिख दिया। वन माइनस वन टू जीरो टू माइनस थ्री थ्री माइनस टू फोर माइनस टू जीरो माइनस टू जीरो नाइन टू माइनस थ्री सिक्स वन माइनस टू ठीक है जी परफेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो पहला कॉलम पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लीकेशन वन इंटू माइनस टू माइनस टू बीच में प्लस का साइन माइनस वन इंटू नाइन तो माइनस नाइन हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो गया सो दिस इज माइनस नाइन फिर क्या है टू इंटू सिक्स ट्वेल्व ठीक है पहली रो दूसरा कॉलम वन इंटू जीरो जीरो माइनस वन इंटू टू माइनस टू प्लस टू इंटू वन टू ठीक है पहली रो तीसरा कॉलम वन इंटू वन वन माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री टू इंटू माइनस टू माइनस फोर ठीक है सो so ये कितना निकल के आया है पहले जरा इसको सिंपलीफाई कर दें सो so ये है बारह में से नौ गया तीन थ्री माइनस टू वन दिस इज जीरो एंड तीन प्लस एक चार ये भी जीरो तो पहली रो में तो वन जीरो जीरो मिला राइट right? अब एक काम करो जो एलिमेंट आपके गायब हो गए हैं उनको वापस लिख दो ठीक है यहाँ पे टू लिखा था यहाँ पे माइनस तीन लिखा था अब दूसरी रो पहला कॉलम जीरो इंटू माइनस टू जीरो प्लस टू इंटू नाइन प्लस माइनस थ्री इंटू सिक्स अठारह सो एटीन माइनस एटीन जीरो दूसरी रो दूसरा कॉलम जीरो इंटू समू टू जोर बीच में प्लस का साइन माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री सो प्लस माइनस माइनस चार में से तीन गया चार में से तीन गया एक दूसरी रो तीसरा कॉलम जीरो इंटू वन जीरो टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स तो ये भी कितना आ गया जीरो आ गया अब लास्ट रो पहला कॉलम थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स प्लस माइनस टू इंटू नाइन माइनस एटीन ओके फिर क्या है फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर तो ये कितना आएगा यहाँ पे देखो माइनस फोर प्लस ट्वेंटी फोर माइनस फोर प्लस ट्वेंटी फोर बीस ठीक है ट्वेंटी माइनस टू अठारह अठारह में से अठारह गया जीरो सो दिस इज जीरो ओनली ये वाली रो ये वाला कॉलम थ्री इंटू जीरो जीरो माइनस टू इंटू टू माइनस फोर प्लस फोर इंटू वन फोर तो माइनस फोर प्लस फोर जीरो लास्ट रो लास्ट कॉलम थ्री इंटू वन थ्री माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स फोर इंटू माइनस टू माइनस एट तो नाइन माइनस एट वन तो आपने क्या देखा आपने ये देखा कि ए सी इंटू जब ए और सी का प्रोडक्ट किया ना तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है है ना हमारे पास क्या आ रहा है ए सी इज इक्वल टू आई आयानी सी हमारा किसके बराबर होगा ए इनवर्स के बराबर होगा दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया राइट right, तो आई इंटू सी सी हो गया आई इंटू ए इन्वर्स ए इन्वर्स हो गया मतलब सी किसके बराबर आ रहा है ए इनवर्स के बराबर आ रहा है या फिर मैं कहूँ ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है सी है मतलब जो मेरा ए इनवर्स है ना वो कोई और नहीं वो तो मेरी सी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स क्या है माइनस टू जीरो वन नाइन टू माइनस थ्री सिक्स वन माइनस टू तो ये हमें ए इनवर्स मिल गया मैंने कहा था ना जब भी ये लोग आपको कोई कंडीशन दे और फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करवाए तो समझ जाना इस कंडीशन से कुछ और नहीं आपको ए इनवर्स ही मिलता है और वो ए इनवर्स यहाँ पे भी आपको यूज करना पड़ता है ठीक है अब आप क्या करोगे अब आप अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाओ तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है वो इक्वेशन क्या है एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड x माइनस वाई प्लस टू जेड चेक करो इज इक्वल टू है वन उसके बाद क्या है टू वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू वन टू वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू वन टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू वन थ्री एक्स माइनस टू वाई थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू टू चेक करो ठीक है अब यहाँ से आपकी ए मैट्रिक्स क्या है आपकी ए मैट्रिक्स है वन माइनस वन टू जीरो टू माइनस थ्री थ्री माइनस टू फोर आपका जो एक्स मैट्रिक्स है यहाँ पे वो है आपके वेरिएबल्स एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू किस साइड में जो बी है दैट इज योर आंसर वाली मैट्रिक्स इसे हम कॉन्स्टेंट भी कहते हैं वन वन टू ये हमने यहाँ पे लिख दिया हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैंने कहा देखो जी मैट्रिक्स इक्वेशन होती है ए एक्स इक्वल टू बी तो एक्स हो जाता है ए इनवर्स इंटू बी एक्स अपने पास है एक्स वाई जेड ए इन्वर्स हमारे पास ऑलरेडी है हमने फाइंड करके रखा है ए इन्वर्स क्या है आपकी सी मैट्रिक्स यानी कि माइनस टू जीरो वन तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस टू जीरो वन नाइन टू माइनस थ्री नाइन टू माइनस थ्री सिक्स वन माइनस टू सो दिस इज सिक्स वन माइनस टू ये ए इनवर्स हो गया इसमें मल्टीप्लाई कर दो अपनी बी मैट्रिक्स का तो बी मैट्रिक्स क्या है वन वन टू सॉल्व कर दो प्रोडक्ट निकालो आपको एक्स वाई जेड मिल जाएंगे ठीक है तो चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लीकेशन बीच में आएगा एडिशन का साइन माइनस टू इंटू वन इज माइनस टू बीच में प्लस जीरो इंटू वन तो जीरो हो जाएगा प्लस वन इंटू टू तो टू हो जाएगा दूसरी रो पहला कॉलम नाइन इंटू वन नाइन टू इंटू वन इज टू माइनस थ्री टू सिक्स तीसरी रो पहला कॉलम सिक्स वन माइनस फोर इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो और कंपेयर करो इक्वेट करो आपके एक्स वाई जेड आ जाएंगे माइनस टू प्लस ज़ीरो प्लस टू तो ये तो शून्य मतलब जीरो आ रहा है ये कितना आ रहा है टू माइनस सिक्स माइनस फोर और नाइन माइनस फोर मतलब कि फाइव तो ये तो पाँच आ गया है ना ये क्या आ रहा है छः प्लस एक सात सात में से चार गया तीन सो दिस इज तीन इक्वेट करेंगे दोनों को तो x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू फाइव और z की वैल्यू थ्री आ जाती है इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिकली आप अपने इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछा जाता है स्कूल वालों को ना ये एक्स्ट्रा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि मिसलेनियस का एग्जाम्पल है और आप लोग हमेशा उसे इग्नोर कर देते हो तो इसीलिए ये स्कूल वालों का फेवरेट है बोर्ड में भी एक दो बार ये पूछा गया है तो कैसे सॉल्व करना है कैसे टारगेट करना है याद रखिएगा सबसे पहले अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो इसकी कोईक्वेशन मैट्रिक्स रफ वक् में बना के रख लो हंड्रेड परसेंट आपको इसकी हेल्प से ना ए इनवर्स ही मिलेगा जो आपको चाहिए रहता है कोईफिशियन मैट्रिक्स में मतलब x इक्वल टू ए इन्वर्स भी आप करते हो तो वो ए इनवर्स आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलना था तो जब मैंने अपने रफ वर्क में कोइफिशेंट मैट्रिक्स बनाई तो मैंने ये देखा कि मेरे कोफिशेंट मैट्रिक्स तो इसके बराबर है तो ठीक है इसका नाम ए है तो ये भी ए है इसका नाम मैंने बी नहीं दिया सी दे दिया क्योंकि बी तो मैं वैसे भी यहाँ पे यूज करती हूँ राइट तो मैंने सी नाम दे दिया उसके बाद हमने ए इन सी निकाला देखो जरा कहाँ गया अपना ए इंटू सी सो हाँ यही रहा तो ए इंटू सी निकाला आपने आई आया तो ए सी इक्वल टू आई है तो सी किसके बराबर है ए इनवर्स के बराबर यानी ए इनवर्स सी के बराबर है सी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे अपनी रख दी राइट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पकड़ा ए निकाला एक्स निकाला बी निकाला मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी एक्स क्या होगा ए इनवर्स इंटू बी ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की थी राइट हमने उसको यहाँ पे रखा प्रोडक्ट किया दो मैट्रिक्स इक्वल हैं दोनों का ऑर्डर सेम है तो उन्हें इक्वेट कर सकते हैं कैसे करस्पोंडिंग टर्म्स आर इक्वेटेड यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू ज़ीरो फाइव थ्री आ रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा ये जो है ना इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो अब हो सकता है कुछ डिफरेंट भी आ जाए इसमें तो अगर आपने प्रॉपर्टीज सीख ली हैं फिर से कहूँगी वन शॉर्ट रिविजन वीडियो में लास्ट में जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टी डिस्कस कराई है एक बार उस प्रॉपर्टी को ज़रूर कंठस्थ कर लेना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पाँच मार्क्स में भी बन सकता है उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड राइट सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लो वन शॉट देख लो कंसेप्ट समझ लो मोस्ट एक्सपेक्टेड ट्राई कर लो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन एम सी क्यू क्वेश्चन के साथ जो चैप्टर नंबर फोर डिटर्मिनेंट में से आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है तो इसके साथ हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर डिफरेंट वेराइटी डिफरेंट पैटर्न के कम्प्लीट हो जाते हैं आप इन सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ सभी क्वेश्चंस को और अपन अच्छे तरीके से ब्रश अप कर लेंगे राइट right? सो so, इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास ट्वेल्थ प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है इसके साथ स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैग्नेट ड्रेन्स पे हम सब टीचर्स आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उन सब के नोट्स भी अब अवेलेबल हैं और इन नोट्स तक अगर आपको पहुंचना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक के थ्रू आप इन नोट्स तक पहुंच सकते हो सो so, स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ड्रेन्स के साथ